अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इकबाल, आप देख रहे हैं शेफ 21, बिल्कुल शेफ इकबाल साहब। और दोस्तों रमज़ान की बिल्कुल आमद आमद इंशाल्लाह, मंथ ऑफ रमदान, आपको बताते चलें, ये शो देखेंगे आप 6 से 7 नहीं बल्कि 5 से 6 बजे तक, बिटवीन 5 to 6 PM लाइव, अफ्तार से पहले ये शो देखेंगे आप, ठीक है, शाम 5 से 6 इंशाल्लाह। तो यहाँ मौजूद हैं आज आपके साथ, और एक ऐसी रेसिपी जो आप सहरी में बना सकते हैं, चाहे तो पहले रोज़े, दूसरे रोज़े, या जब भी आप बनाना चाहें। तो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, बहुत ही खास है दोस्तों, मखनी अंडे छोले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। मखनी अंडे छोले की रेसिपी जो आप इन दी मंथ ऑफ रमदान सहरी में बना सकते हैं, और साथ ही मज़े की सैलड भी बनानी है, तो मखनी अंडे छोले की रेसिपी की तरफ चलते हैं। और जो लोग कॉल करना चाह रहे हैं कॉल भी कर सकते हैं, रेसिपी बताने के बाद आपकी कुछ कॉल्स भी लेंगे, सिलसिला बिल्कुल जारी है। दोस्तों चने मौजूद हैं, यहाँ उबाल चुके हैं, देख सकते हैं आप, बॉइल्ड छोले, बॉइल्ड चने मौजूद हैं। ये काबली चने हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो बर्मी होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, ये काबली चने देख सकते हैं आप, ठीक है, जो जरा बिग साइज के होते हैं। ओवरनाइट इसे आपने पानी के अंदर सोक करके रखना है, इसमें आपने सोडा भी शामिल किया, अगली सुबह उठकर आपने वो पानी ज़ाया किया, दोबारा नया पानी फिल करके तो बॉयल कर लीजिए, और बिल्कुल सॉफ्ट इसका दाना देखिए, बिल्कुल ये सॉफ्ट है, देख सकते हैं इजीली मैश हो जाएगा, देखिए पाउडर बन जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल ये सॉफ्ट है। इसके अलावा बाकी दीगर इंग्रीडियंट्स में टच हो रहे, तो यहाँ पे उबले हुए अंडे मौजूद हैं कोई 6 अदद, सफ़ेद जीरा, घी शामिल करना हमने, आई एम सो सॉरी, इसमें हमने मक्खन शामिल करना दोस्तों, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पिसा हुआ, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, सा गरम मसाला, कलौंजी, लाल मिर्च भी हल्की सी ऐड करनी, क्योंकि पिसी हुई शामिल कर रहे हैं, पिसा गरम मसाला, सब्जियों में प्याज, टमाटर, धनिया, सभी चीज़ें ऐड करनी। कॉलर मौजूद है मेरे ख्याल से, और साथ ही प्रोसेस की जानिब चलते हैं। मखनी अंडे छोले बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करते हैं इसमें कुकिंग ऑयल, पैन में लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, और इसे ज़रा गर्म होने रखना है ताकि अच्छी तरह से ये रेडी हो जाए, गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसमें हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी है, ग्रेवी इसकी बहुत मज़े की बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले हम ज़रा प्याज को चॉप कर लेते हैं, कॉलर मौजूद है, लेट्स सी कौन और कहां से। हेलो हेलो भाई, मंजूर अली कोड नहीं बुला रही, पूर से कैसे हैं? ठीक ठाक मंजूर साहब, आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और जबरदस्त रेसिपी लेके आए हैं जनाब, और आप सुनाएं कैसे हैं? सबसे पहले बताएं मेरी एमसीआर पीसीआर कैमरामैन सब टीम कैसे हैं? जी जी, एमसीआर पीसीआर टीसीआर कैमरामैन सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, माशाल्लाह। और जनाब जो आज की जो रेसिपी है, इसमें थोड़ा सा अगर लॉरी टच आता है तो क्या मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मंजूर साहब आप। हाँ माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह कैसा चल रहा है, किस तरह का आजकल मौसम है आपके यहाँ, और सिलसिला कैसे चल रहा है जनाब? बस मौसम गर्म है, हमने जो कहा था ना कि सूरज जमीन से मिलने आया है मंजूर साहब, सूरज जमीन से मिलने आया है, कभी उसका भी दिल करता है ना, सूरज जमीन से मिलने आया, कुछ लेकर जाएगा तो कुछ देकर जाएगा। अच्छा मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाह रहा था कि जैसे हमारा रमजान शुरू हो गया और आस्ता आस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो कुछ ठंडी चीजों की जो अपना ड्रिंक्स होती है वो भी आपने शामिल करना है अपने प्रोग्राम में। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा मंजूर भाई, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल हल्की हल्की जो है ना, बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्या बात। अच्छा, आप खुद इकबाल भाई? जी जी, हमारे यहाँ आजकल सीजन चल रहा है लुकाट का मौसम, मतलब है कि फ्रूट चल रहे हैं, तो क्या आप पसंद करते हैं मैं भिजवाऊं? मंजू साहब वैसे तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, अगर हुआ तो आपसे हम कहेंगे, लेकिन खुशी हुई आपने, बड़ी मेहरबानी,
और मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मंजूर इलाही साहब मौजूद रहे, मखनी अंडे छोले बना रहे हैं आज हम, प्याज दो पीस किए, स्लाइस नहीं करना इसके पहले कट लगाने, एक दो तीन चार, और से आपने चॉप कर लेना इस तरह से, प्याज जरा ज्यादा ऐड करने देंगे, प्याज को बिल्कुल नरम करनी है इसकी, और इसकी बिल्कुल अलग ग्रेवी बनाएंगे आप जरा देखेंगे कैमरे की वजह से। स्लाइस और इस चॉप किया, एक और प्याज ली हमने और इसे आपने इसी तरह रफ काट के, से आपने रफ चॉप कर लेना। यानी कि दो अदद प्याज शामिल कर रहे हैं, ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर, ऑयल में हमने प्याज शामिल की और से आपने लाइट जारी रखनी है, ऑयल में प्याज ऐड की दोस्तों, भुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी रखना है, आहिस्ता आहिस्ता प्याज सॉफ्ट होगी, नरम होगी, बहुत मजे का फ्लेवर भी आएगा। अंडे बॉईल कर चुके हैं, अंडे जब भी बॉईल करें 8 मिनट तक आपने बालना है, यानी बेट करने सिलसिला जारी है, और दोस्तों ब्रेक का वक्त हुआ है तो धीमी आंच पे प्याज बिल्कुल नरम कर लेते हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ करते रहिए। दोस्तों वेलकम बैक टू अवर शो, रेसिपी शेयर कर रहे हैं मखनी अंडे छोले की, सिर्फ प्याज ऐड की, प्याज ब्राउन ही करने वाला, प्याज ब्राउन होना चाहेगी, अब देखेंगे ये हमारे असद साहब की कैमरे की नज़र से प्याज ब्राउन होना चाहेगी, लेकिन आपने इसे रोकना है, हल्का सा कलर आया फिर ऐसे आपने पानी शामिल किया, ठीक है, और इसे पकाना अच्छी तरह से। प्याज बिल्कुल ब्राउन होना चाहिए, लेकिन ब्राउन नहीं होने देना, जैसे ब्राउन होने लगे पानी शामिल करना ताकि सॉफ्ट नरम हो जाएगी, क्योंकि एक गोश्त जो बहुत से लोगों ने खाया होगा, भुना गोश्त बनता है, भुने गोश्त वाला एक अंदाज है, प्याज को नरम करके पकाना, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना, जरा और पानी शामिल करें, ठीक है, और तेज आंच पर बल रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, प्याज को देख रहे होंगे अब कैमरे की नजर से ब्राउन नहीं होने देना, कुक करना है और इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, फिर और पानी शामिल किया, आप चूल्हा तेज रखना है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और इसकी ग्रेवी मजे की बनेगी इंशाल्लाह। और अच्छी खासी प्याज को आपने पकाना है, अब इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करते हैं, पर उससे पहले अदरक लहसुन से पहले मसाले ऐड करते हैं, मसाले देखिए जो ऐड करने जाने हैं। दोस्तों सबसे पहले साबित गर्म मसाला, ये तेज पत्ता हमने शामिल किया, इसके अलावा ये बादियान का फूल भी एक शामिल किया, साबित गर्म मसाला जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ये हमने शामिल किया, सफेद जीरा एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कलौंजी दोस्तों ऐड करनी है ये भी आधा चाय का चम्मच,
इसी भी लाल मिर्च 1 टीस्पून फूल ये भी शामिल, और खुश मसालों की भुनाई करनी है अच्छी तरह से। खुशबू भी अच्छी आ रही है बस, ठीक है। और कॉलर मौजूद है, सना बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक सना, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। खैर मुबारक, आपको भी एडवांस में मुबारक हो। जी खैर मुबारक, खैर मुबारक। और क्या तैयारी है आपकी रमजान की सना? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रेगुलर देखती हूँ लेकिन ना कॉल नहीं लगती। अच्छा चलिए, फाइनली आज आपकी कॉल मिल चुकी है सना जी। आज मेरी आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। हमें भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा सना ये बताएं, आज आपके मेन्यू में क्या बनने जा रहा है? चिकन कौरमा, वाह जी वाह, क्या बात है सना, थैंक यू। तो जरा और पानी शामिल किया। जैसे जैसे मसाला लगने लगे आपने पानी ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं, 1 कप। और इसके साथ ही कुछ टमाटर दो पीस किए, और से आपने स्लाइस कर लेना। अच्छा दोस्तों, करना कुछ इस तरह से कि टमाटर को हमने पीस कर शामिल करना, ठीक है। टमाटर को पीस कर शामिल करना है, ग्राइंड करके शामिल करना है, या जूसर मशीन मौजूद है, ठीक है। मसाले पानी में पक रहे हैं, ठीक है, मसाले पानी में पक रहे हैं, जरूर पानी शामिल करें ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। डिफरेंट अंदाज में बना रहे हैं आज हम, और टमाटर जरा जिसके अंदर ऐड करने आपको बताते हैं। रफ काट लिया टमाटर को, रफ काट दीजिए 2, और ये तीसरा टमाटर भी। ये टमाटर हम जूसर मशीन में शामिल करते हैं। टमाटर के साथ ही जरा सा धनिया और पुदीना यहां मौजूद है, ये भी इसी में हम शामिल करते हैं। और ये 1 अदद ग्रीन चिली भी शामिल की, इसमें जरा पानी मिला लेते हैं। और इसे हम पीस लेंगे, ठीक है दोस्तों। टमाटर, धनिया, पुदीना, पानी ऐड किया, और इसे जरा पीस लेते हैं। अच्छी तरह से पीसने के बाद ये जो हमारा जबरदस्त ये जो मखनी अंडे छोले का प्रोसेस जारी है, इसमें हम ये पिसे हुए टमाटर शामिल करते हैं। देखिए आप, तभी मिला लीजिए। और इसे हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। इसी दौरान टमाटर के साथ ये जो मक्खन मौजूद है दोस्तों हमारे पास, बटर ऐड करते हैं, 2 टेबल स्पून बटर ऐड करते हैं, या घी भी हम मिला सकते हैं। और इसे आपने अच्छी तरह से पकाना है। यहां तक पहुंचाने के बाद इसे आपने अच्छी तरह पकाना है, ठीक है, अच्छी तरह पकाना है ताकि ये ग्रेवी मजे की हो जाएगी। और हल्का सा ऑयल भी ऐड करते हैं,
ताकि इसका फ्लेवर मजे का भी होगा और इसमें कुक हो जाएगा। दो खाने के चमचे लगभग शामिल किया, ठीक है। और इसे कुक करना दोस्तों अच्छी तरह से देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का लेते हैं, ब्रेक ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर तक से आपने कवर कर लेना है। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं बाकी प्रोसेस भी और चने का सैलेड भी बनाना है। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। जी दोस्तों वेलकम बैक। अंडे छोले की रेसिपी शेयर करें। ग्रेवी का प्रोसेस जारी था और बिटवीन द ब्रेक ग्रेवी बनती रही। लेट्स सी इसका टेक्सचर दोस्तों बहुत अच्छा है। आप जरा देखिएगा, खुशी होगी आपको देखकर। और रोटी के साथ खाने वाला मजे का सालन है ये। देखिए आप इसका टेक्सचर, ग्रेवी देखिए, ये अच्छी नहीं बनती बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनती। ये अगर अच्छी बन जाए तो अंडे छोले या मुर्ग छोले का बहुत मजा आता है। देखिए ग्रेवी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, चोरबा ग्रेवी या करी ये हमारी बहुत मजे की देख सकते हैं। अब इसमें अल्लाह के ऑल दो अब तक हमने ना चने शामिल किए ना अंडा, लेकिन ग्रेवी अब देख सकते हैं नान के साथ हम इंजॉय करेंगे, मजा आएगा। पाई वाला टेक्सचर इसका हो चुका है देख सकते हैं। ये साबित गर्म मसाले का अच्छा फ्लेवर आया इसमें। इस पॉइंट पर हमने अब इसके अंदर शामिल करते हैं उबले हुए चने। और देखिए इसमें हम शामिल करें उबले हुए चने, बॉइल्ड चने कुछ रखने हैं। इसकी हमने सैलेड भी बना लिया कि लगभग 2 कप हम बचा रहे हैं। और फिर से जरा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। दोस्तों याद रहे कि टमाटर हमने पीस कर शामिल किए थे, ठीक है। इस पॉइंट पर हम चने शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना आपको बताना, ग्रीन चिली शामिल करें 1, 2, 3। और ये वो खास ढाबे वाले चने बने, ठीक है दोस्तों, खास ये ढाबे वाले चने बने जो मजे के भी होते हैं और मजा आएगा, बिल्कुल देसी हमारे अपने, जो बल्कि बाहर भी मिलते, जो अगर मुल्क से बाहर देख रहे हैं आपको दुबई में कुछ ऐसी जगह है जहां इस तरह के चने मिलते हैं, ठीक है। इसमें हम शामिल करें ये हल्का सा गर्म मसाला पिसा हुआ, हल्का सा ये जीरा सफेद आपने रखा हाथ पे, ये भी इसमें हमने ऐड करना, जीरा भी इसमें हमने शामिल किया। और जरा इसे कवर कर लेते हैं 1 more time, ठीक है, ताकि ग्रेवी इसकी और मजे की बनेगी। अगर ज्यादा ग्रेवी ना बनाना चाहे तो उसे तेज आंच पे इसकी बुनाई भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रेवी जरूरी है मजे का ही। देखिए पक पक कर इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है, देखिए जरा शोरबा इसका चख लेते हैं, ट्राई करते हैं। दोस्तों बहुत मजे का है, लेकिन नमक कम है, सॉल्ट कम है इसमें, नमक ऐड करें, रस और नमक शामिल किया, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद कुछ देर से और कवर भी रखें। दोस्तों इसमें हमने 6 अंडे शामिल करने, जिसके 3 अंडे हम इसमें शामिल कर लेते हैं, 1, 2 और ये तीसरा, 3 अंडे हम टॉप पर शामिल करेंगे, ठीक है। 3 अंडे भी शामिल किए, कुछ देर से कवर कर लेते हैं, लगभग 1 से 2 मिनट से कवर करके रखना है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और सैलेड की जानी भी चलना है, ठीक है, पर उससे पहले मेरे ख्याल से इस डिश को हम फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सैलेड की तरफ भी चलना, पर उससे पहले डिश को करते हैं फाइनलाइज, जरा सी क्लीनिंग भी उस जरूरी भी है डेफिनेटली, ठीक है, निकाल लेते हैं। और हटाते हैं 1, 2 और ये 3, तुला करते हैं बंद।
उसे अंडे छोले हम निकाल लेते हैं। चने भी सॉफ्ट हैं और पराठों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नान के साथ खाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ रमजान अब हमारा शो देखेंगे बिटवीन 5 to 6 PM शाम 5 से 6 बजे तक ऑन K21 न्यूज, जहां आपको बेस्ट रेसिपीज मिलेंगे इंशाल्लाह। रखा और कुछ और भी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इंशाल्लाह हमारी अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज होगा 3:15 बजे से। 3:15 बजे से हमारी अफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज होगा, ठीक है, और जो जारी रहेगी इंशाल्लाह अफ्तार तक। ठीक है, 3:15 से अफ्तार तक जारी रहेगी, जिसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से खूबसूरती शोज पेश किए जाएंगे। बिटवीन 5 to 6 PM आप एक कुकिंग क्या है हमारा देखेंगे 5 से 6 बजे तक इंशाल्लाह। पी निकाल चुके और इसी तरह दोस्तों सुबह सहरी ट्रांसमिशन आप देखेंगे 2:30 बजे से। ठीक है, 2:30 बजे से सहरी तक आप देखेंगे। ठीक है, 2:30 सहरी तक हमारी सहरी ट्रांसमिशन। दोस्तों आज हमारी रेसिपी, और ये सहरी के लिए बहुत आइडियल है। देखिए अब सहरी के लिए बहुत अच्छी है। कुछ अंडे हम टॉप पर इस तरह शामिल कर रहे हैं, मिक्स कर लीजिएगा तो एक मजे की रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आप चाहते हो कि इसमें कवर हो जाए तो इस तरह सालन इसके ऊपर हल्का सा डाल सकते हैं, तो अंडों पर भी कलर आ जाएगा। ऑयल भी ऊपर आ रहा है और इस तरह खानों में मेरे ख्याल से मजा आता है कि इस तरह की डिश इसी तरह ही बनाई जाए। चलिए गार्निश की जाने, गार्निश के लिए उनका सा धनिया चॉप किया, और ये हरा धनिया टॉप पर शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रेसिपी हो चुकी है तैयार और नान मौजूद है सॉफ्ट मजे के नान, बल्कि नान ले आते हैं यहाँ, लेकिन ये अगली रेसिपी को फाइनलाइज करना है जो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों, चने का सलाद। चने की चाट भी बनाएंगे लेकिन चने का सलाद बना रहे हैं। चने का सलाद बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में, बल्कि ऐसा करते हैं दोस्तों ये जो बाउल मौजूद है हमारे पास इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, लगभग 2 कप चने उबले हुए ये दिख सकते हैं आप। धनिया भी इसमें शामिल कर रहे हैं, कुछ सब्जियां हमने काट कर रखी हैं जो ऐड करते हैं, जिसमें शिमला मिर्च और प्याज कटी हुई शामिल की। दोस्तों इसमें मिक्स कर लेना आपने शिमला मिर्च प्याज, टमाटर भी ऐड कर लेते हैं और इसे आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, और कुछ स्पाइसेस भी ऐड करते हैं इसमें। ये दोस्तों यहाँ कोकम्बर मौजूद है, खीरा ये भी इसमें हम शामिल करते हैं। एक खीरा लिया इस तरह से, इसके 2 पीस के 4 पीस, और खीरे को इस तरह काटना है दोस्तों आपको दिखाएं, ये रखा इस तरह और खीरे को इस तरह काट लेना है। ये खीरा भी हमने इसमें शामिल किया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं जो आपको बताते हैं दोस्तों। जो मसाले ऐड करने हैं रोस्ट किया, मसाले जिसमें हमने शामिल करने हैं वो आपको बताते हैं। नमक हसब जायका, लाल मिर्च कुटी हुई, क्रश्ड रेड चिली 1/2 टीस्पून, ये जितनी आप पसंद करते हो। साथ में 1 अदद नींबू लिया आपने, इसे काट लेते हैं लेमन, और नींबू का जूस जिसमें ऐड करते हैं लेमन जूस। ये नींबू अच्छा खासा ऐड करना है। 1 अदद यहां पे साथ ही जरा सा धनिया पुदीना मौजूद है, ये भी चॉप कर लेते हैं।
ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, धनिया पुदीना भी, और कुछ चाहें तो एक ग्रीन चिली भी इसमें शामिल करें, सिर्फ एक अदद टॉप की, और ये भी इसमें हमने शामिल किया, कर लेते हैं इसमें अच्छी तरह से। दोस्तों ये चने की सलाद बनाइए एक तरह से, चाहें तो इसमें दही या कोई और मस्टर्ड या कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है, दुनिया भर में सब चीज़ें खाई जाती है, हेल्दी है, स्पेशली सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर है, आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ये हो चुका तैयार, से निकाल लेते हैं आज इसे हम, बल्कि वाइट प्लेटर में निकालते, आपने देखा होगा फाइव स्टार होटल में प्लेटर में सैलड पेश किए जाते हैं, तो आज इसे हम प्लेटर में ही निकाल लें। देखिए आप कि हम घरों में हम नहीं करते, लेकिन प्लेटर में हम निकाल सकते हैं सैलड, प्लेटर में सैलड निकाल लें। तो उसमें से जरा टॉस कर लेना, आते हैं यहाँ और गार्निश के लिए एक टमाटर लिया, वापस का शामिल किए, और साथ ही टॉप पर आपने चाट मसाला भी ऐड कर लेना, चाट मसाला शामिल किया, ये एंटीऑक्सीडेंट सलाद पत्ता जो है भी इस्तेमाल कर दिया। दोस्तों आज की दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार, वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, थैंक यू सो मच यू ऑल, सफाई दिव सी मान है दोस्तों, सफाई बहुत जरूरी है, कॉफ नान, ठीक है दोस्तों, चलें दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद आबाद रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ नए एपिसोड के साथ। फेसबुक की दुनिया में अगर आप मौजूद हैं तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिए, शेफ21 के नाम से हमारा पेज है, CHEF21, जरूर लाइक कीजिए, जहां रोजाना शो हमारे पोस्ट होते हैं, वीडियोज अपलोड होते हैं, ठीक है। यूट्यूब की दुनिया में तो वहां लिखेंगे सिर्फ शेफ इकबाल शाह, CHEF इसके बाद इकबाल शाह, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, और रमज़ान आपको एडवांस बहुत बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। और रमज़ान की टाइमिंग जैसे कि हम बता चुके हैं 5 से 6 बजे तक जरूर मुलाकात होगी, और हम दुआ करते हैं कि रमज़ान खैर खैरियत से बहुत अच्छा गुजरे, इबादतों का सिलसिला जारी रहेगा, और अल्लाह सब हम सबको खुश रखे, शादोआबाद रखे, थैंक यू दोस्तों, खुश रहें, शादोआबाद रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और बस यही कहूंगा जो हमने हमेशा कहा और ये सच भी है, इतना कि अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो, और इतना डरोगे कि हाँक जियोगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।